गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की रेमेडी न ही सिर्फ सफ़ेद बालों को काला करेगी, बल्कि बालों में बहुत ही ज़्यादा थिकनेस देगी। बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे आंवला। देखिए, यहाँ पर हम आज ग्रीन आंवला का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका सीज़न आ चुका है, हर जगह पर आसानी से मिल जाता है। 5 से 6 लेंगे आंवला, उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आंवला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, और डालेंगे ग्राइंडर जार में। उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता, जो है मैंने उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया था। एक मुट्ठी भर के डालेंगे कड़ी पत्ता। आंवला और कड़ी पत्ता न ही सिर्फ बालों को काला करने के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि ये बालों में थिकनेस भी बहुत ही ज़्यादा देता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप के जितना पहले ऑयल। ठीक है, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह के ऑयल डाले। एक तो मैंने डाला कोकोनट ऑयल, और दूसरा मैंने डाला यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है वो बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर भी आपको जो ऑयल सूट करता हो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आंवला और करी पत्ते को ऑयल के साथ ग्राइंड किया, नहीं तो क्या होगा, आंवला का जूस निकल आएगा। इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें इन्हें ग्राइंड करते समय, जिससे आंवला से जो पानी है वो बाहर न निकले। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें डाला कलौंजी लगभग 2 चम्मच के जितने। कलौंजी भी बालों को न ही सिर्फ काला करती है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करके फिर से काला बनाती है, बल्कि गंजेपन की समस्या को भी ख़त्म करती है। 2 चम्मच के जितनी हम यहाँ पर डालेंगे कलौंजी। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है रतन जोत थोड़ी सी। ठीक है, लगभग 2 चम्मच के जितने बोल सकते हैं, पाउडर नहीं है ये, खड़ी रतन जोत है। देखिए, रतन जोत एक नेचुरल डाई का काम करती है। रतन जोत का ऑयल अगर बालों पर लगाया जाए तो बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, उसके साथ साथ बाल मजबूत भी होते हैं। हिबिस्कस यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है हिबिस्कस के फ्लावर्स तो आप इसे ज़रूर डालें, क्योंकि इनसे भी नेचुरल तरह से बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देते हैं। पर अगर आप इनका अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, या चाहें तो 1 चम्मच अगर आपके पास हिबिस्कस के फूलों का पाउडर हो तो उसे ऐड कर दें। अब ये सब चीज़ें हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे हम ढककर 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हमने आयरन के बर्तन में डाले हैं तो इनके साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। ठीक है, आयरन फोर्टिफाइड हो जाएगी। अब इसमें तेल कम है तो हम फिर से इसमें तेल डालेंगे, मतलब जितनी आपने चीज़ें ली है वो सब तेल में बहुत ही अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए। आपको उतना तेल यहाँ पर लेना है जितना आपने आंवला लिया है या बाकी जो भी चीज़ें ली है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर तेल डालेंगे। देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो 1 लाइक ज़रूर करें। उसके बाद इस तेल को आपको बिल्कुल छोटी गैस पे कम आंच पर इस तरह से पकाना है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ दें। फिर इसे किसी कांच की बोतल में, ग्लास की बोतल में अच्छी तरह से बिल्कुल पतले कपड़े से छान लें, जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठीक है, इस ऑयल को आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, और हो सके तो ओवरनाइट लगा के रखें। उसके बाद बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें, रेगुलर बेसिस पर यूज़ करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे साथ अपना